नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जब म्यूजिक की बात करते हैं, एक तरफ ऐसा म्यूजिक है जिसमें ठहराव है, आपकी रूह को सुकून देता है, और एक तरफ ऐसा म्यूजिक है जो आपको थरकने पे मजबूर कर देता है। ऐसा ही एक म्यूजिक है, पंजाबी म्यूजिक। ना कोई बड़ी शादी है, वो जगह दिल्ली है या पंजाब या सात समंदर पार, सब लोगों को पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है। तो आज मैं आपको पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे सुपरस्टार से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने शुरुआत करी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और कमाल कर दी। उसके बाद अपनी सिंगिंग और रैपिंग से लोगों का दिल जीत लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम नन अदर देन सुखी द म्यूजिकल डॉक्टर्स। सुखी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। लेट मी जस्ट वेलकम यू बाय सेइंग कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, स्टनिंग लग रहे हो। थैंक यू। और एक चीज जिसका मैं पर्सनल फैन हूं वो है इनका हेयर स्टाइल। जी, हर बार हेयर स्टाइल के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज कि आप ऐसा सवाल मेरे से करो क्योंकि मेरे को चाहिए होता है कुछ ना कुछ, मैं अटेंशन सीख करूं। मेरे को ऐसा होता है मैं डिफरेंट लगूं तो सभी मेरे को देखें ये है कोई कुछ, चाहे मैं गाऊं ना किसी को पता ना हो, बट स्टिल वो हेयर स्टाइल देख के सोचते हैं लोग कुछ तो डिफरेंट है, बंदा कौन है ये, कौन है। सो दैट्स द रीजन। मेरे को वैसे भी बहुत शुरू से ही स्कूल टाइम से आई वाज लाइक, मैं स्कूल में भी बाल खड़े करके जाता तो मेरे को टीचर्स कहते थे ये यहाँ पे नहीं चलेगा ना, नॉर्मल करके जाओ। सो दैट्स द ओनली रीजन। बाय द वे, मैं भी बाल नॉर्मल रखता हूँ, बट क्योंकि आप सुखी आ रहे थे तो मैंने भी बाल बनाए। यू लुकिंग गुड ब्रो। अच्छा सुखी, यू डन ऑल ब्लैक, यू डन जैगुआर जो कि बोहिमिया के साथ था। जी, सारे आर्टिस्ट के साथ काम किए, बड़े सारे आर्टिस्ट। जी, हर एक के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। हर बंदे का देखो जी अलग एक विजन होता है, हर बंदे का डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होता है, एक करेक्टर अलग होता है। तो आप जब किसी के साथ काम करते हो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है। एंड जैसे व्हेन आई डिड स्नाइपर माय फर्स्ट सॉन्ग, आई डिड इट विद रफ्तार जी, एंड दैट वाज मेरा एक लो पीरियड था। ठीक है जी, आई हैड टू स्टार्ट अप विद माय सिंगिंग करियर। आई वाज वर्किंग एज ए म्यूजिक डायरेक्टर पहले, बट एक कहते हैं फिर भी एक नया स्टेप होता है तो बंदा बहुत नर्वस होता है, एंड यू नीड समवन टू होल्ड योर हैंड, राइट। तो रफ्तार ने उस टाइम पे बहुत साथ दिया, एंड वर्किंग विद हिम वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। गाना बहुत अच्छा चला। देन उसके बाद जैगुआर, बोहिमिया। बोहिमिया इज लाइक, उनको सुनते थे ना कि इनके साथ एक फोटो ही करवाएंगे कभी जिंदगी में, एंड आप जब उनके साथ काम कर रहे हो तो इट्स ए अचीवमेंट फॉर यू। बिल्कुल। सो या बोहिमिया के साथ एंड बादशाह बाजी के साथ आई डिड बम्ब, एंड बादशाह बाजी तो यू नो हैप्पी पर्सनालिटी, या ही इज बादशाह, राइट, ही इज बादशाह ऑफ कोर्स। नाउ मेरे को एक चीज और बताइए कि आपने कब स्टार्ट किया, व्हेन डिड यू डिसाइड कि यार अब मुझे ना म्यूजिक की तरफ सीरियसली प्रोफेशनली आगे बढ़ना है? बिकॉज़ ये कॉलेज के दिनों में था या जब ट्रेनिंग हुई तब हुआ? यू नो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद योर हॉबी, और एक मज़े में शुरू होती है ये चीज़। कभी भी हम ये दिमाग में सोच के नहीं शुरू करते कि वील मेक इट आर करियर, राइट। सो व्हेन आई वाज इन, मैंने कभी किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया स्कूल में, नेवर, राइट। आई वाज टू मच इनटू कंप्यूटर्स एंड ऑल, तो मेरे को सॉफ्टवेयर चलाने का, एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा एक कीड़ा होता है, राइट, चुल होती थी। सो आई स्टार्टेड विद रीमिक्सिंग सॉन्ग्स, राइट। कुछ गाने रीमिक्स किए, वो ऐसे कॉलेज में रीमिक्स करता करता आई वेंट टू चंडीगढ़ फॉर माय स्टडीज। वहाँ पे जाके अंडरग्राउंड हिप हॉप का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा था तब, okay. In 2009 और 10 बोहिमिया भाई ने बहुत प्रमोट किया हिप हॉप की, एल्बम आई हुई थी उनकी तब, ठीक है जी। तो पूरा सीन चल रहा, तो वी स्टार्टेड मेकिंग बीट्स फॉर लाइक, अपने कहते हैं ना कि पॉकेट मनी एंड काइंड ऑफ, राइट। तो हमने अपने बीट्स बनाने शुरू करके अंडरग्राउंड म्यूजिक के लिए, वी स्टार्टेड सेलिंग देम फॉर लाइक चीप प्राइस एंड ऑल, ओके। सो एक खर्चा चलता था एंड एक होता था कि हाँ काम भी कर रहे हैं। ऐसे ही वो धीरे धीरे कुछ गानों को अच्छा मिल गया रिस्पांस, तो फिर किसी कंपनी के साथ टाई अप हुआ। सो उन्होंने हमें म्यूजिक करने के लिए गाने दिए, फिर हमने दो चार गाने किए, वो बहुत अच्छे चले पंजाब में। सो इट गेव अस ए स्टार्ट। फिर मैंने कहा यार कर ही रहे हैं तो क्यों, और कुछ क्यों करना है, अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो वी गेट सीरियस एंड वी शुड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन के हमने ये नहीं तो ये करना। बिल्कुल, वो भी करेंगे, कुछ और करेंगे, बट इसमें कुछ बन के वील डू सम बिजनेस साथ में। बट या ये चीज अब प्रायोरिटी भी रखेंगे इसके ऊपर। ये मल्टी टैलेंटेड है बाय द वे, ये म्यूजिक कंपोज करते हैं, अब तो गाने भी लग गए हैं, और मैंने देखा ज्यादा गाने लग गए हैं जो बहुत अच्छी चीज है। मेरे को बस ये जानना है कि जब आप इतनी सारी चीजें कर लेते हो, सो वेयर डस ऑल दिस कम फ्रॉम, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि यार मैं कंपोज भी कर लूंगा, गा भी लूंगा, कैसे पॉसिबल होता है? एंड ऑफ कोर्स यू डूइंग लॉट ऑफ इवेंट्स एंड शोस, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम दीज फैंस, इन लोगों की वजह से आते हैं। क्योंकि रीजन ये, हमें रोज मैसेज करते हैं कि आपका गाना कब आ रहा है, ठीक है जी, हमें आपकी नई लुक देखनी है, हमें नया गाना सुनना है। यू गो आउट, दे कम एंड क्लिक पिक्चर्स विद यू, दिस इज एनर्जी, दिस इज वट यू वॉन्ट, वट यू हैव ड्रीम फॉर, राइट। इसी चीज़ के लिए सारी जिंदगी मतलब आपने वर्क किया है, एंड जब ये लोग आपको मिलते हैं तो इट गिव्स यू पंप कि यार हाँ और अच्छा करना है। क्योंकि इस मेरे को लगता है लालच पैसे का नहीं होना चाहिए, लालच होना चाहिए फैंस का। एंड जितना आपका फैंस ज़्यादा होगी, यू विल हैव ए गुड फैमिली, राइट, विद यू।
टू सपोर्ट यू. बिल्कुल बिल्कुल, फैंस का सपोर्ट. अभी पंजाब में देखा जा रहा है, मतलब नॉर्थ साइड में बहुत सारे लोग अपने गाने लेकर लॉन्च कर रहे हैं, हर सिंगर कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है. बिल्कुल. व्हाट डू यू सजेस्ट दीस पीपल, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग चैनलाइज हो रहे हैं, जैसे सुखी तुमने इतने अच्छे गाने बनाए हैं और आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, कुछ लोग हैं जो गाने बनते हैं बट दे आर नॉट सीन अगेन. राइट. सी आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ वे, एक काम करने का तरीका होता है, लक बहुत मैटर करता है. कई बार आप कुछ भी नहीं करते, बहुत इजीली आपको मिल जाता है, बट वो एक बार मिलता है, बाद में आपको संभालना, उस चीज़ को कैरी करना मुश्किल है. ठीक है जी, लक सारी ज़िंदगी साथ नहीं रहता, एक बार साथ देगा, दो बार साथ देगा. मेहनत होती है, पेशेंस होती है, इट टेक्स टाइम. आई एम वर्किंग सिंस लाइक 9-10 years. ठीक है, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम हेयर, एंड आई नो दैट अगर जब आपका गाना हिट हो गया उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. सो everyone want to be famous, everyone want to sing right, but I just want to say that कि एक तो सबसे जो पहली बात है पैसे. घर वालों को मत तंग करो. ठीक है जी, चलता है ऐसा सीन, बिकॉज आई नो आई केम फ्रॉम अ स्मॉल होम टाउन. माई होम टाउन इज गढ़शंग. ठीक है, केम फ्रॉम अ स्मॉल एरिया. आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. राइट, माई मॉम इज अ टीचर, माई डैड इज अ नॉर्मल बिजनेस मैन. ठीक है, तो आई हैड टू, मेरे को बहुत चीज़ें सोच के चलना पड़ता था कि मेरे को ये काम करना है, कैसे करना है, मेरे घर वाले भी ना तंग हो. मैं ऐसे भी नहीं कह सकता, आई हैड अ फैमिली जिसका, ऐसी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी होती हैं, अगर आपको कहो ना कि हमें 3 lakh rupees एट द टाइम चाहिए तो वो नहीं अरेंज कर सकते, क्योंकि हम तो पढ़ते भी FD करवाई होती हैं घर वालों ने. राइट, ऐसी चीज़ों से हमारी पढ़ाई पूरी होती है. राइट, सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पढ़ाई अपनी पूरी करनी चाहिए. आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी. आई डिड माई स्टडीज, आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज. ठीक है जी, सो पैसा खुद करो, कमाओ, धीरे धीरे कराओ, वेज निकलती हैं. डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर वन. यू आर ए इंडिपेंडेंट पर्सन, आपके घर वाले ने आपको पाल दिया, आपको पढ़ा रहे हैं, दैट्स इनफ. बाकी आपका जो वे या रास्ता है वो आपने खुद तय करना. ये तो तय है कि आप अब यू नो यू वांट टू परस्यू समथिंग, इट्स बेस्ट अगर आप खुद अपने तरीके से करें. क्योंकि जैसे सुखी कह रहे हैं कि किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहो. बिल्कुल जी. अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जाननी है आपसे. सबसे पहले खाने में क्या पसंद करते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आई एम खाने में आई एम वेरी सिंपल गाय. ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जमरा अगर मेरे किसी भी आप मेरे दोस्तों को या मेरे साथ रहने वाले लोगों को पूछोगे कि देख मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनियन, मैं अनियन नहीं खाता किसी भी खाने में. अगर मेरे को दिख जाए ना अनियन, मैं कहता हूँ भाई प्लीज़ साइड कर. अच्छा, ग्राइंड कर दो, मिक्स कर दो, बीच में डाल दो, कुछ मेरे को दिखना नहीं चाहिए. आई डोंट नो, आई हैव दैट हेट फॉर अनियन बचपन से. सो आई एम अ वेरी सिंपल गाय खाने में. ठीक है जी, घर का खाना पसंद करते हैं? आई ईट घर का फूड, आई डोंट ईट बाहर का फूड. अदर रीज़न इज आई यूज टू बी वेरी फैट. ओके. ठीक है जी, आई लॉस्ट बहुत मुश्किल से वेट कम होता है. तो आई ट्राई टू, आई डोंट ईट जंक, आई ईट क्लीन, एंड माई फेवरेट इज घर की फूड भाई, एनीथिंग, साग, राजमा, चावल. बट ये तो खाने की बात हो गई, बट डू यू ऑल्सो कुक, खाना कुक करते? यस आई डू कुक, आई जस्ट कुक ब्रेड ऑमलेट, वो भी प्लेन विदाउट एनी. तो मतलब अगर मैं कुक करूंगा तो ब्रेड ऑमलेट, टी एंड ब्रेड ऑमलेट, मतलब अपना गुजारा करने के लिए आई कैन डू दैट. अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, यू डू लॉट ऑफ शोज, स्टेज शोज करते हैं आप, इवेंट्स करते हैं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो हम बताना चाहेंगे ऑडियंस को? इंटरेस्टिंग शोज करते हुए कुछ हो जाए, समथिंग विच इज नॉट प्लान्ड और कभी मेरे साथ हुआ था एक बहुत तगड़ा सीन. आई थिंक सारे आर्टिस्टों के साथ कुछ ना कुछ तो होता है. जो मेरे साथ हुआ था, आई वाज ऑन द स्टेज, आई वाज सिंगिंग सुसाइड वाला गाना. राइट, जी तू इस बारी भी तुम्हें ना गाती है, वो गाते गाते आई वाज सो पम्प्ड अप, लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिए, तो मैंने ना ऐसे किक मार के थोड़ा पोज किया कि मैं किक मार रहा हूँ, मेरा शू निकल गया ना सीधे. आई वाज मतलब आई थिंक मेरा एक गुड लक था, थोड़ा बच गया. रीज़न क्या था, जो जूता उड़ के जाके लोगों के सेंटर में एक जगह होती है स्टेयर्स, हाँ जी, वहाँ पे जाके गिरा किसी के जाके बजा लगी. तो वो एक फिर वो एक बेचारा बंदा आके वो मेरे को पकड़ा रहे हैं, तो आई पर स्टिल वी टुक इट इन ए गुड एंड फनी वे. यू नो हाउ टू, आपको एट द टाइम जैसी सिचुएशन हो उसको कैसे संभालना वो पता होना चाहिए. बिल्कुल. जैसे भूमिया भाई ने मेरे को एक बार कहा था, उन्होंने मेरे को एक बार कहा था कि जहाँ पे लड़ाई हो और इवेंट हो दोनों जगह जूते कस के जाया करो. मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ उन्होंने क्यों कहा था. सो सुखी, व्हेन यू स्टार्टेड आपने एक बड़ा यूनिक नेम रखा जिसका नाम था म्यूजिकल डॉक्टर्स. ये नाम कैसे जहन में आया? सो इसका एक बहुत फनी सा आंसर है. माई सिस्टर वॉज डूइंग स्टडी इन फिजियोथेरेपी. राइट, तो मेरे घर वाले थे शी गोना बिकम डॉक्टर. मैं उनसे 3-4 साल छोटा हूँ, शी इज एल्डर सिस्टर, अभी भी वो पढ़ रही है. ठीक है जी, तो दे आज़ मी कि तू क्या करेगा. मैंने फनी वे में कहा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, म्यूजिक का डॉक्टर, आई विल बिकम म्यूजिकल डॉक्टर. सो वो 2-3 साल बाद जब हमने काम करना था तो फिर हमने सोचा, वी वर थिंकिंग क्या नाम रखें. तो मेरे दिमाग में आया यार म्यूजिकल डॉक्टर्स क्यों ना रखें, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट नेम, एंड वी हील पीपल विद म्यूजिक, सो वी कीप इट लाइक म्यूजिकल डॉक्टर्स. सो दिस इज फ्रॉम वेयर इट केम. ओके, सो म्यूजिकल डॉक्टर्स में इफ आई रिमेंबर देयर वर 4 मेंबर्स जी. आपने 4 मेंबर्स के साथ शुरुआत करी, हाउ डिड इट स्टार्ट एंड
अभी मैं देख रहा हूँ इवेंचुअली फिर आपको खुद यू टेकन इट अलोन बिकॉज़ बिल्कुल जी ऐसे ही चलते चलते कई लोग आपकी जिंदगी में आते हैं कई निकल जाते हैं राइट इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं ठीक है जी हर बंदे की अपनी डेस्टिनी है वो अपने रास्ते में चले जाते हैं सो अब मेरा रास्ता ये था एंड मैं उस रास्ते पर आ रहा था एंड मैं ऐसे आ रहा था कि मेरे को वहाँ पर पहुँचना है मेरे को अचीव करना है एंड दे आर डूइंग गुड दे आर डूइंग वेरी गुड आई एम हैप्पी फॉर देम सो वी स्टार्टेड टुगेदर बट धीरे धीरे व्हेन वी केम टू नो दैट के कुछ प्रॉब्लम्स आगे जाके आ सकती हैं जब हम दोबारा स्प्लिट करके काम नहीं कर पाएंगे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि यू नो व्हेन आपका एक ग्रुप बहुत बड़ी हाइट पे पहुंच जाए तब आपको स्प्लिट करना पड़े देन इट्स वेरी रिस्की राइट सो वी म्यूचुअली हमने एक डिसाइड किया कि वी वर्क अपना अपना ठीक है जी अपना म्यूचुअली हम चार लोग क्यों एक साथ होकर काम करें हम अलग अलग होकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं तो व्हाई नॉट ओके राइट सो वी आर वर्किंग अपना अपना एंड सारे बहुत खुश हैं बट यू गाइस आर स्टिल इन टच मिलते रहते हैं बात होती रहती है आई एम टच विद ब्लिंक ठीक है जी आई एम नॉट इन टच विद एनीवन एल्स मे बी दे आर वेरी बिजी आई एम वेरी बिजी दैट इज द ओनली रीजन सो बट या आई वोंट से दैट बहुत प्यार से लग हुए हैं देर आर ऑलवेज सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ऑल बट ठीक है जी सॉर्टेड वी सॉर्टेड इट एंड वी आर ऑन वर्क And you can see we all are growing. That's Absolutely. What matters at all. Absolutely. Yeah. Sukhi, but बहुत difficult और tough हुआ होगा क्योंकि जब अकेले start करना पड़ता है और आज यहाँ तक पहुँचने के लिए it's been a long journey. बिल्कुल कितना tough रहा और क्या-क्या problems भी When you work as a team, you know that आप में कोई कमी हो तो वो दूसरा बंदा पूरी कर देता है सारे बंदों का अलग अलग काम होता है सारे बंदे उस हिसाब से manage कर लेते हैं right? But when you have to work alone, So I must say that was a very tough period for me when जब मेरे को चंडीगढ़ से निकल के पंजाब जाके काम करना शुरू किया मैंने दोबारा it took me एक साल तो पहले संभलने को अपने आप को संभालने को सब कुछ सेट करने को अपने आप को कि क्या करना है कैसे करना बट यह कुछ लोगों का प्यार सपोर्ट एंड मेरा भी एक विजन क्लियर था मेरे मॉम ने मेरे को कहा था कि सुखी अगर अब तू कर रहे हैं ना अब करियो अगर नहीं करेगा तो हमारी बेइज्जती है आई कम फ्रॉम ए एजुकेटेड फैमिली माय मॉम्स बैकग्राउंड इज़ वेरी लाइक आर्मी पीपल मेरे मामा जी हैं सारे तो उनका सारा कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि क्या कर रहा है तो आई नेवर वॉन्ट माई मॉम टू लाइक मेरे को सबसे ज़रूरी चीज़ मेरी लाइफ में है माई मॉम डैड आई कैन नेवर सी मतलब उनको दुखी या पिस्ड ऑफ मेरी वजह से आई कैंट मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही चीज़ वो है ज़िंदगी में राइट तो फिर मैंने को सोचा कि बस ठीक है यार अब तो करना ही है करना है तो करना है एंड कर लिया और कर लिया आपके अपने खुद के कोई फेवरेट ट्रैक्स फ्यू सॉन्ग्स दैट यू लव द मोस्ट यार मैं खुद जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है बस चलने दो सुनने देता हूँ सी ऐसे होता है कि अपना तो बच्चा साथ सबको सारे बच्चे बराबर होते सारे प्यारे होते हैं ठीक है तो मेरे तो सारे ही मेरे को गाने पसंद है मेरे गाने बच्चों की तरह ही होते हैं बट स्टिल इफ यू से दैट जैगवर इज अ सॉन्ग जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी राइट तो एक दिन मैं जाता था कोई नहीं बुलाता था दूसरे दिन वहीं पे गया तो सारे लोग इकट्ठे हो गए बिल्कुल गाने के बाद सो दैट्स ए सॉन्ग जिसने मेरे को आइडेंटिटी दी सो आई रिस्पेक्ट दैट सॉन्ग अलॉट एंड दैट सॉन्ग टू हैव ए स्टोरी वो गाना भी बताइए उसकी ये स्टोरी है कि वैन आई गॉट दैट सॉन्ग आई मेड इट फॉर समवन एल्स तो उनको वो पसंद नहीं आया गाना लाइक क्या टॉपिक अच्छा नहीं है एंड था भी बहुत रिस्की टॉपिक राइट यू नेवर नो ऐसी चीज़ें चले या ना चले राइट वॉज इट नॉट तो सार्केस्टिक सा गाना था पहले तो कोई माना नहीं गाने को जब मैंने गाना एट द एंड आई हैड ए कॉल फ्रॉम भूमिया बाजी भूमिया भी इंडिया पर आए थे तो दिस यू हैव एनी सॉन्ग वी कैन डू कोई प्रॉब्लम नहीं तो आई हैड दिस सॉन्ग आई हैड नो चॉइस लेफ्ट मैं सोच रहा हूँ भूमिया भाई ये करेंगे या नहीं करेंगे ये गाना क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर लाइक टेस्ट है ना राइट तो मैं उनके पास लेके गया गाना भाई कहते हैं यार ये तो गाना ही मेरे टाइप का है इसमें तो बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है एंड मेरे को एक्सप्लेन करना है मेरी पोइट्री है ये तो मैं कहा चलो भाई ऑल गुड थैंक्स साथ साथ हमने गाना रिकॉर्ड किया शूट किया एंड देन ये गाना आया सो इट हैव दिस स्टोरी कि वो ये गाना मेरे पास नहीं था किसी के पास था गाना सिर्फ मैंने म्यूजिक बनाया था एट द एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो आई डिड दिस सॉन्ग एंड इसके ऊपर विश्वास नहीं था किसी को बट इस गाने ने ही जिंदगी बदल दी पीपल स्टार्टेड लविंग यू देयर लॉट ऑफ फैंस और आज तक मतलब चलता है आई मस्ट से कई बार हम सोचते हैं कि हमें सेफ चलना चाहिए हाँ जी नहीं चलना चाहिए सेफ आप अगर सेफ चलते जाओ आप उतने दायरे में ही रह जाओगे यू हैव टू एक्सप्लोर यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू डू समथिंग चाहे अगर एक्सपेरिमेंट्स आप बहुत चलते हैं या नहीं चलेंगे पर आपके पास कौन सा कोई मौका नहीं है आप कर सकते हो दोबारा अगर नहीं चला तो फिर करो बिल्कुल बट एटलीस्ट इट शुड बी डिफरेंट सो दिस प्रैक्टिस दिस नॉलेज और आप तो कर भी बहुत सारी चीजें रहे हैं आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं गा रहे हैं सारी तरह लव्स दैट वो व्हाट यू लव द मोस्ट डू यू थिंक म्यूजिक कंपोजिंग करना ज्यादा पसंद है या गाना गाना बहुत पसंद करते हैं मेकिंग म्यूजिक इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट एंड मोर वाइबफुल ठीक है जी मेरे को ज्यादा वाइब म्यूजिक बनाने में आती है रीजन कि हम जब म्यूजिक बनाते हैं एंड
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं. गाना गाना भी अच्छी चीज़ है यार. व्हेन वी परफॉर्म लोग प्यार करते हैं, वो भी मज़ा आता है. बट बीइंग इन अ स्टूडियो इज लाइक समथिंग डिफरेंट. यू आर लाइक बॉस, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू कैन मतलब क्रिएट न्यू. बीइंग क्रिएटिव इज लाइक समथिंग गुड. एंड आई समथिंग फील्स ब्लेस्ड कि हमारे में कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज आए थे, लोग पसंद कर लेते हैं. बिल्कुल. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड इवन ऑल द पीपल. या अब वेट यू सी दिस म्यूजिक गोइंग नाउ, बिकॉज मुझे लगता है हम लोग ट्रेंड के हिसाब से जैसे देखा है पहले बड़ा शांत म्यूजिक था, अभी नाच गाने वाला है. और पंजाबी म्यूजिक ऐसा है जो शादी होगी, फंक्शन होगा, बॉलीवुड फिल्म है या इंटरनेशनल है, पंजाबी म्यूजिक जरूर बजेगा. वेट यू सी इट गोइंग आने वाले वक्त में, क्या देखते हैं? विच म्यूजिक इज गोइंग टू बी मोस्ट पॉपुलर? सी आई डोंट सी इट गोइंग एनीवेयर. मैं आपको बताता हूँ, मेरे को लग रहा है कि यू कांट मतलब आप जज नहीं कर सकते क्या होगा. यू नेवर नो व्हाट्स गोना, कैसा गाना चल जाए एकदम आगे. एक आर्टिस्ट आ गया कल नया, उसका अपना स्टाइल है, वो चलेगा. बिल्कुल. ठीक है जी. एवरी वन हैज देयर ओन स्टाइल, सबका अपना डिफरेंट स्टाइल है. सो हम ये नहीं कह सकते कल ऐसा म्यूजिक आया है, कल ऐसा म्यूजिक आया. यू नेवर नो, एवरी वन इज वेरी टैलेंटेड. हर कुछ नया नया लेके आ रहा है. एंड हम खुद बहुत कुछ नया. आज मैंने जैसे कहा कि बीट गाने चल रहे थे, ठीक है जी, सारे 100 टेम्पो वाले सॉन्ग चल रहे हैं. हमने एकदम 75-78 टेम्पो का गाना निकाल दिया, बिकॉज वी वॉन्टेड टू डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स. सो अगर ऐसे लोग करते रहेंगे काम इंडस्ट्री में जिनको पता कि हमने एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो म्यूजिक बहुत एक डिफरेंट लेवल पे जाता रहेगा. बिल्कुल. एंड मैं तो ऑलरेडी इसको इंटरनेशनल म्यूजिक के साथ कंपेयर करता हूँ, बिकॉज हमारे गाने इंटरनेशनल चार्ट्स में जाते हैं आजकल, इंटरनेशनल चार्ट्स में खुलते हैं. सो वी आर लाइक ग्रोइंग लाइक स्पेनिश म्यूजिक, ठीक है जी. एंड आई थिंक एक दो साल में सारे वी हैव एग्जाम्पल, वी हैव गुरु डूइंग प्रीटी गुड, ठीक है जी. वी हैव बादशाह बाजी, ठीक है जी. ठीक है, ही इज़ लाइक बिग नेम मतलब ही इज़ बिग. ही मैंने उनके आने वाले गाने सुने हैं. बिल्कुल. एंड देखो ना, क्रॉस आई डोंट नो, मे बी बिलियन भी क्रॉस करेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. आने वाले गानों में. सो ऐसे लोग काम करते रहेंगे तो वील गेट बहुत नई नई चीज़ें. बिल्कुल. अभी आपका बम उनका सॉन्ग है, आपने कोलैबोरेट जिसके साथ किया, वो बहुत पॉपुलर है. बट आई हैव दिस प्रिविलेज राइट नाउ कि सुखी शो पे हैं, बहुत सारे सवाल जवाब तो मैं करता जा रहा हूँ, पर अगर मैंने दो चार लाइनें नहीं सुनी तो क्या मजा आएगा. सुखी सुसाइड की दो तीन लाइनें अगर आप हमारे लिए गुनगुना. सुसाइड की सुनाऊंगा जरूर. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. आई लव इट्स वीडियो. सो मेरे उत्ते मर दियां 40 कुड़ियां, ओ सिरे दियां हत्थ पैसे वाली कुड़ियां, हो किसे नु वे जानी मुंह लाउंदा नहीं, अगे बिजे उंज पावे वाली कुड़ियां, हो जिन्नियां सी मेरियां फ्रेंड कुड़ियां, फ्रेंड कुड़ियां आया ले करतियां साइड तेरे सामने, निजे इस बारी भी तू मैनू ना करती नहीं मैं कर जू सुसाइड तेरे सामने. या मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है इतना अमेजिंग म्यूजिक है, मतलब आप ऐसे गा रहे हो बिना म्यूजिक के गा रहे हो, मेरा नाचने का मन कर रहा था. इट्स ऑलवेज अबाउट द कंपोजिशन. यू शुड कीप इट एज सिंपल एज यू कैन, बिकॉज एवरीवन डोंट हैव द नॉलेज ऑफ म्यूजिक. सब लोगों को जितना गुनगुनाना गुना सकें उतनी कॉम्पोजिशन. मेरा एक सिंपल सा बंडा है, आई कीप इट वेरी सिंपल, आई कीप लिरिक्स वेरी सिंपल. दिल्ली में भी सबको समझ आए. बिल्कुल. यहाँ सब ऐसे गाना थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि सारा इंडिया में हर कोई ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकता. व्हेन वी कीप इट सिंपल, आई कीप द नेम ऑफ द सॉन्ग्स इंग्लिश में राइट. ये मेरा अगला सवाल आने वाला था कि सारे गाने आपके इंग्लिश, ऑल ब्लैक जी, जैगुआर जी, आई नीड या, यू गॉट ऑल द ट्रैक्स इन इंग्लिश. कोई स्पेसिफिक रीजन? एक तो गाने को टॉपिक में वो होती है चीज, वो वर्ड का यूज किया होता है. द अदर रीजन इज के थोड़ा कहते हैं कि बड़ा हो जाता है मेरे ख्याल से. लोगों को आउट ऑफ इंडिया भी लोग होंगे तो वो नाम ट्रेंड कर सकता है गानों में. बिल्कुल. सबको पता होता है कि इसका मतलब क्या है, वो मतलब सोच के फिर कहता है चलो गाना सुनते हैं. हम गाने का नाम ही ऐसा रख लें जिसका लोगों को मतलब नहीं बताया ना, तो थोड़ा ईजी हो जाता है. एंड आई कीप इट लाइक थोड़ा अर्बन. आई वॉन्ट इट टू बी लाइक दैट. अच्छा, अर्बन ऑडियंस की तरफ मोस्टली टारगेट रहता है? आई एम टारगेटेड अबाउट एवरीवन. ऑडियंस सारी सेम ही होती है हमारे लिए. फैंस कोई भी अलग नहीं होते. पंजाबी, दिल्ली, बॉम्बे, हमारे लिए सारे बराबर हैं, ठीक है जी. वी ट्राई टू मेक सॉन्ग्स जो सबको पसंद आए, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्बन मार्केट. हमारे यार, आई एम फ्रॉम ए स्मॉल होम टाउन पंजाब, को बताया गढ़शंकर. सभी अंग्रेजी गाने सुनते हैं, इंग्लिश गाने सुनते हैं आज बच्चे, जितने मेरे छोटे कजन हैं. एंड वो सारे बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं हमसे भी.